आने का प्रस्ताव रखा। आपने तब विश्व का आह्वान करते हुए कहा था, जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात करते हैं, प्रकृति के साथ जुड़ने की बात करते हैं, हम जब बैक टू बेसिक की बात करते हैं, तो हमें योग से जुड़ने की जरूरत है। आगे आपने कहा, योग हमारी पुरातन परंपरा की अमूल्य देन है। योग मन, शरीर, विचार, कर्म, संयम और उपलब्धि की एकात्मता तथा मानव प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। योग स्वास्थ्य और कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन में लड़ने में सहायक सिद्ध हो सकता है। यही वो आपकी पंक्तियां थी जिसके लिए सारे देश एकजुट हो गए। अमूमन जब संयुक्त राष्ट्र में कोई प्रस्ताव आता है तो देश उसे लेकर बटे दिखाई देते हैं, मगर माननीय प्रधानमंत्री जी जब समस्त जग के कल्याण का मंत्र दिया तो दुनिया के 193 देशों ने रिकॉर्ड समय में इस प्रस्ताव को अपना लिया। इसके फलस्वरूप आज चौथे अंतर्राष्ट्रीय दिवस का मेजबान बनने का सौभाग्य उत्तराखंड को मिला है।